कैमूर भभुआ से स्वतंत्र शर्मा की रिपोर्ट। विद्यालय के बच्चों का शिक्षा डूबा अंधकार में। विद्यालय के शिक्षक करते हैं मनमानी। विद्यालय के बच्चों को शिक्षा अंधकार में डूब चुकी है और विद्यालय के शिक्षक मनमानी कर रहे हैं। यह मामला कैमूर जिला प्रखंड भगवानपुर का है। उत्क्रमित मध्य विद्यालय पर परमालपुर का मामला है, जहाँ विद्यालय के अध्यक्ष धनंजय कुमार ने आरोप लगाते हुए कहा कि विद्यालय के शिक्षक पढ़ाने के बजाय मोबाइल पर लगे रहते हैं और बच्चे इधर उधर घूमते रहते हैं और बच्चों पर ध्यान नहीं रहता है। विद्यालय का जर्जर स्थिति है। इतना ख़राब विद्यालय के हेडमास्टर चंद्रशेखर राम हैं, जो विद्यालय को देख रेख अच्छी तरह से नहीं करते हैं और समय समय पर विद्यालय नहीं आ पाते हैं। विद्यालय के शिक्षक 10 बजे से पहले नहीं आ पाते हैं, 12 बजे दिन का समय है विद्यालय आते रहते हैं, 12 बजे दिन के समय तक विद्यालय आते रहते हैं, उनका कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है। जहाँ विद्यालय के बच्चे इधर उधर खेलते दिखाई देते हैं और दोपहर 2 बजे विद्यालय से बच्चे अपने घर चले जाते हैं। विद्यालय के बच्चों से पूछा जाता है तो बच्चों ने जवाब दे दिए कि हम लोग को छुट्टी दे दिया गया है, कहते हैं कि आप घर चले जाएं, मजबूरन हम लोग को घर जाना पड़ता है। विद्यालय के शिक्षक आपस में बैठ कर बातें करते नजर आते हैं, आपस में बैठ कर मोबाइल फ़ोन चलाते हैं। कहाँ जा रही हो? घर। छुट्टी छुट्टी हो गया? हाँ। कहाँ जा रही हो? घर जा रही हो? छुट्टी मिल गया? क्या बोले हैं गुरुजी? क्या बोले हैं गुरुजी? बोले हैं जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? किस क्लास में पढ़ती हो? और तुम क्या? गुरुजी क्या बोले हैं? बोले हैं जाओ। और तुम चल दी कै बजे? अच्छा ये बताओ कै बजे आती हो पढ़ने? कब जा कै बजे जाती हो यहाँ से बताओ? 4 बजे। तो अभी 4 नहीं बज रहा, 2 बज रहा है। जाओ। का करना जा गुरुजी? बैठे ना जा। और क्या करना जा? कुछ नहीं। क्या नाम पढ़ी? रिमांशु कुमारी। कौन सा विद्यालय में पढ़े लो? 7 में। विद्यालय का नाम बा? परमालपुर। पूरा नाम बताओ। उत्क्रमित मध्य विद्यालय परमालपुर। नाइट नहीं आए? हाँ नहीं, आपने सबसे पहले रविंद्र सर जी पहली घंटे में हाजिरी बने, प्रश्न उत्तर दिया और फिर चल जी। हाँ कहीं बना के रख ले रह जाए। कहाँ चल जाना? अब जहाँ मन तहाँ घूमे चल जाना। अच्छा कभी लेट भी आए ना अपना हाजिर बने चल जी बाइक से। मन तो जन के पढ़ावे ना? ना कब कल पढ़ाई मन करते तो मैं तो ना चल जी। हाँ तो जन विद्यालय में माने गुरु जी से नहीं कुछ कहलो जा? कब तक का कहन कुछ भी इतना करना, अपने खुद बैठे मान तो दूसरे के ना बैठे दे। हां क्या नाम पढ़ी? संध्या कुमारी। कौन क्लास में पढ़े लो? 7 क्लास में। विद्यालय का नाम पढ़ी? उद्योगकर मध्य विद्यालय परमालपुर। नमला भाई ये रविंद्र गुरु जी आवे ना तो बोइबो ने करे ना पढ़ाइबो ने करे ना बाकी पढ़ावे ना हल्ला करे ला सलाई क्या है तो ये बताओ गुरु जी का करना? उल्लो फोन से हर जिले बड़ा कर लो फोन से बतिया रन जा। हां कर डेली? हाँ अच्छा। पढ़ाई ना होके राजकुमार में कुल लेकर घूमे रहता है, पढ़ा था ना में कुल लेकर भाग जाना था। तो क्या नाम पढ़ी तो यार? लोकुश। कौन क्लास में पढ़े ला? 4। कौन सा विद्यालय में? परमालपुर। तो बोइबो ने करे ना पढ़ाइबो ने करे ना बाकी पढ़ावे ना हल्ला करे ला सलाई क्या है तो ये बताओ गुरु जी का करना? उल्लो फोन से हर जिले बड़ा कर लो फोन से बतिया रन जाए। हाँ कर डेली? हाँ अच्छा। पढ़ाई ना होके राजकुमार में कुल लेकर घूमे रहता है, पढ़ा था ना में कुल लेकर भाग जाना था। तो क्या नाम पढ़ी तो यार? लोकुश। कौन क्लास में पढ़े ला? 4। कौन सा विद्यालय में? परमालपुर। उत्क्रमित मध्य विद्यालय परमालपुर अंचल भगवानपुर के प्रखंड में जो आया है विद्यालय है जी। क्या क्या मामला है? मामला यहाँ का सिचुएशन बहुत ख़राब है। यहाँ पे पढ़ाई लिखाई कोनो भी तरह से नहीं हो रहा है। अगर सब अपने अपने मनमानी ढंग से हो रहा है काम, अगर देखिए अगर यहाँ पे अगर ऐसा सिचुएशन है कि कोई लड़का लड़की पढ़ाई नहीं कर रहा है, ना मास्टर भी यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहा है, ना अगर अगर जो मध्याह्न भोजन भी चल रहा है
उसको भी अगर एक बार भी मीटिंग नहीं हुआ है ना कुछ हुआ है, सब अपने मनमानी ढंग से लोग चला रहे हैं कर रहे हैं। हम अध्यक्ष होने के नाते अगर यही कहना चाहते हैं कि अगर इस पर सरकार अगर देखे, अगर इसके अगर बढ़िया से अगर कड़ाई करके इसको अगर हम लोग स्कूल को सुधार करें, हम यही कहना चाहेंगे। यहाँ के जो हेडमास्टर हैं उनका क्या नाम है? इनका चंद्रशेखर नाम है। अच्छा, वो ये भी धमकी दे रहे हैं कि पत्रकारों को हम यहाँ से कितने लोग, वो तो आप तो खुद सुने ना, आपके 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 सामने बोले हैं ये बात। अगर ये नहीं है कि हम आपसे बनावटी बतिया रहे हैं, आपके सामने ही आपको खुद आपको वो भी धमकी मिला है ऐसा कि नहीं, अगर कि यहाँ पर पत्रकार को नहीं आना है तो सब अपना मनमानी ढंग से काम हो रहा है तभी ना धमकी ये लोग दे रहे हैं चाहे कुछ कर रहे हैं। यानी कि आपकी मांग क्या है ये बताइए। हम लोग का मांग देखिए, हमारा मांग तो यही है कि हमारा स्कूल बढ़िया से अगर चले, अगर भोजन बच्चों को मिले और स्कूल का रख रखाव चाहे अगर उसके हिसाब से हो। यहाँ पे तो अगर सब लोग है लेकिन कोई अगर मान लीजिए वैसे ढंग का अगर आदमी नहीं है कि ताकि अगर यहाँ पे पढ़ाई लिखाई हो रहा है ढंग का नहीं हो रहा है, कोई भी कुछ भी यहाँ पे पढ़ाई लिखाई ढंग से नहीं हो रहा है, चाहे कोई पढ़ाने लिखाने वाला कोई ऐसा लायक नहीं लग रहा है हमको। विद्यालय के कुछ लोग का कहना भी है कि विद्यालय पर जो भी यानी कि शिक्षक हैं वो सारे लोग मोबाइल देखते हैं और बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, क्या इसकी क्या है? हम भी कभी कल हम भी आते हैं, हम भी देखे हैं। क्या देखे हैं आप? हम भी देखे हैं कि मान लीजिए कोई ऐसा टाइम से अगर वो लोग स्कूल में नहीं जाते हैं चाहे कुछ भी, अगर इधर उधर सब बाहर बच्चा लोग भागता रहता है तो अगर वो लोग ऐसा अगर ढंग से काम नहीं करेंगे तो अगर बच्चा तो बाहर भगबे नहीं करेगा। अच्छा, यहाँ के हेडमास्टर जो हैं यानी दबंग आदमी हैं, यानी कि किसी को भी अपनी दबंगई से बतियाते हैं। हाँ, आपका क्या नाम पड़ेगा? धनंजय कुमार बिंद है, मैं धनंजय कुमार बिंद नाम पड़ेगा, मैं परमालपुर उच्च कर्मी विद्यालय का मैं अध्यक्ष हूँ।